पानी का, पानी के बगैर हम अंदा नहीं दे सकते। और नेक्स्ट बार जो होगी आपको पानी पी, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया क्या करता है कि वो पानी को और आने तक रोको अभी भी रोकता है, और जितने डैम्स हैं वो बना रहा है, और उसके बाद क्या कहते हैं डैम्स का जो पानी हो जाता है छोड़ देता है, तो हमारे पास सैलाब आ जाता है। और हमने इस हम इस काबिल नहीं रहे हैं कि हमने डैम बना के इस पानी को हम स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद फिर पहली बात ये कि इंडिया चीन को इसलिए नहीं देगा उसे या खालिस्तान को देना पड़ेगा। इंडिया वो जो वहाँ के थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं, मेरी समझ में आ रही है कि अगर मैंने उसको देना पड़ेगा। असल बात यह है, फिर उसके बाद खालिस्तान की बात दूसरी जगह है आती है उनको भी देना पड़ेगा। तो अब उसका हल क्या है? हल ये है कि पहले हमें हम जो भिखारी हैं हम उससे हमें छुटकारा होना चाहिए। हम जो जो कशकोर लेके खड़े हैं उसको खत्म करके स्टॉप करके और उन्हें डंडे से लेना है।